कि 70 वर्ष की दादी का दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। हमने सुना कि दोबारा से जन्म हुआ है आपका। हाँ बेटा, दोबारा तो है मेरा जन्म। ये सच्ची बात है? सच्ची बात है बेटा, मैंने यमराज भी दिखने लगा। आपको यमराज दिखने लग गया था? हाँ बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, नहीं तो मम्मी का ये हो रहा था कि मम्मी नहीं जिएगी अब। हम खुद जैसे रो रो के पागल हो गए थे उस टाइम। मेरे को तो नहीं, मेरी दूसरी बहन दोबारा मिल गई। अच्छा, और क्या, मेरे तो जीना मुश्किल हो रहा था। मैं तो हो सका इसके साथ मर जाऊं। हमारा तो प्रेम ही इतना है। अच्छा। मैं तो हर दिल की बात इसी को कह सकती हूँ, और किसी को नहीं। बहन के नमस्कार, मैं हूँ अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैप्शन आपने पढ़ ही लिया कि 70 वर्ष की दादी का दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है। और इस वक्त हरियाणा का जो जिला जींद है, इस वक्त जींद शहर में हमारी टीम मौजूद है और 70 वर्ष की दादी, आप ये देख भी सकते हैं, मेरे सामने बैठी है। ओमपति दादी जी का नाम है। ये बताने लग रही है कि 70 वर्ष की उम्र में दोबारा से इनका जन्म हुआ है। सबसे पहले तो दादी जी आपको नमस्ते, आपको प्रणाम। नमस्ते बेटा। हमने सुना कि दोबारा से जन्म हुआ है आपका। हाँ बेटा, दोबारा तो है मेरा जन्म। ये सच्ची बात है? सच्ची बात है बेटा, मैंने यमराज भी दिखने लगे। आपको यमराज दिखने लग गया था? हाँ बेटा। अच्छा दादी जी। हाँ बेटा। अभी ठीक है? बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा जन्म पा करके खुश हैं? खुश हूँ बेटा। तो भाई, ये जो पूरी जो जैसे जो सच्ची घटना है, कैसे क्या दादी जी का दोबारा से जन्म हुआ है, ये पूरी बातें हम आपको बताएंगे। और ये एक संदेश भी है एक परिवार को कि बुजुर्ग अवस्था में बेटे की बहू हो या फिर बेटे हैं, उनको किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। ये एक उदाहरण भी साबित है इस परिवार की तरफ से, एक संदेश भी समाज को। देख सकते हैं मेरे साथ में, आप इनकी बहन है भाई, दादी जो ओमपति है इनकी बहन साथ में बैठी है। दो जो बहनें हैं ये इनकी, ओमपति जो दादी इनके बेटे की बहू हैं। सबसे पहले तो बहन जी राम राम। राम राम भैया। क्या नाम आपका? पूनम भैया। पूनम, कैसे हैं? बस बढ़िया। अच्छा, आपके सासू माँ का दोबारा से जन्म हुआ तो कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा भैया। खुश हैं आप? जी, डॉक्टरी इलाज से तो पेंडा छूट गया भैया। छूट गया? हाँ जी। चलो बहन जी, क्या कहना चाहेंगे, आपकी सासू माँ का दोबारा से जन्म हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, नहीं तो मम्मी का ये हो रहा था कि मम्मी नहीं जिएगी अब। हम खुद जैसे रो रो के पागल हो गए थे उस टाइम। इतनी बीमारियां मेरे को खुद को लग गई थी। हाँ। लेकिन मम्मी ने जैसे वो दवाई शुरू करी है, जैसे ही मम्मी हाँ। बिल्कुल ठीक होते गए, हमारे अंदर भी हौसला आ गया। और मम्मी तो है ही पूरे हौसले में, और सब कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है मम्मी को। अच्छा, एक बार दादी जी बताइएगा, एक बार लाखों की संख्या में जो दर्शक है, आखिरकार आपको हुआ क्या था कि दोबारा से आपका जन्म हुआ था? क्या हो गया था आपको? मेरे को खाया जा था नहीं, पिया जा था नहीं, गले में कैंसर बता दिया था। गले में डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया था आपको? पाइप बदलने कह दी थी। हाँ। भाई 10 लाख रुपए लगेंगे, पाइप बदलाव जाओगी। 10 लाख रुपए में पाइप चेंज करने की बात कही थी? हाँ जी, डॉक्टरों ने जी। अच्छा। राजीव गांधी में कही थी जी। आपकी तो नींद उठ गई होगी जब आपको पता चला कि भी आपको कैंसर है। अब तो यमराज सामने दिखाई देने लग गया था आपको? दिख रहा था जी, जान तो गई। अच्छा। हाँ जी। अरे जी, दूसरी जी न्यूडर दर्द गड़ा पड़ेगी तो खाट में पड़ेगी। हाँ, यानी खाट में पड़ने का डर था। हाँ, चीरा फाड़ी करेंगे। आप तो चलते फिरते रहना चाहते हो। हाँ। और जी, चलो आप बहन है इनकी दादी जी की, आपको कैसा लगा? मेरे को तो नहीं, मेरी दूसरी बहन दोबारा मिल गई। अच्छा, और क्या, मेरे तो जीना मुश्किल हो रहा था। मैं तो हो सका इसके साथ मर जाऊं। हमारा तो प्रेम ही इतना है। अच्छा। मैं तो हर दिल की बात इसी को कह सकती हूँ, और किसी को नहीं। बहन के प्रति इतना प्यार देख सकते हैं, दादी माँ की खुद बहन है, कहने लग रही है दादी भी कि यदि ये मर जाती तो मैं साथ में ही मर जाती। इनका प्रेम है, इस प्रेम को देख करके क्या कहेंगे बहन जी, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है भैया। हाँ जी। अच्छा बहन जी, कैंसर बता दी थी दादी माँ को, पूरा परिवार शोक में आ गया था, पूरे परिवार को टेंशन हो गई थी। फिर कैंसर का इलाज कैसे हुआ? कैंसर सुनते ही ये लोग से ये सोचते हैं कैंसर यानी कि मौत, कि भाई अब तो मौत होगी। हाँ जी। फिर कैसे, क्या प्रोसीजर हुआ, इलाज कहाँ से कैसे क्या करवाया? इलाज फिर हमने पाली से कमलकांत जी की दवाई ली, उन्होंने दी दवाई। मम्मी के ना 15-20 दिन बाद ही फर्क पड़ना शुरू हो गया था, जैसे 15-20 दिन बाद ही खाना शुरू करने लग गए थे मम्मी, जैसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था तो सही खाने लग गए थे। तो हमें उम्मीद होगी कि हाँ अब तो ठीक होंगे। और अब तो मम्मी जैसे काफी महीनों से ठीक है, दवाई जैसे ऐसे इसलिए ले रहे हैं कि प्रेस चलो निपटा जाएगा। अब तो वैसे भी चीजें सभी नुकसान करती है, बीमारी बढ़ाती है, तो चलो थोड़ा सा और दवाई ले ले। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है मम्मी, ठीक है। उससे पहले किस किस हॉस्पिटल में आपने दिखाया था, किसी और हॉस्पिटल में भी? पहला जिंदल में गई जी, रिपोर्ट वगैरह है? हाँ जी, रिपोर्ट है। फिर गई जी मैं संगरूर। ये देख लो भाई, सबसे पहले जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है,
जो एक हरियाणा के अंदर एक मशहूर हॉस्पिटल माना जाता है, जिंदल के अंदर हॉस्पिटल में जैसे ये इलाज कराने के लिए गए, वहां पर इनको कैंसर बता दिया गया था। फिर राजीव गांधी जो कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर है वहां पर भी इनको कैंसर बता दिया गया था। और ये राजीव गांधी कहां, लुधियाना का? ये नहीं, राजीव गांधी है जी दिल्ली का। दिल्ली का दिल्ली। और ये लुधियाना वाला कौन सा? लुधियाना का संगरूर है। संगरूर, तो भाई लुधियाना भी और ये जो दिल्ली है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है वहां पर भी इनको कैंसर बता दी थी। पूरा परिवार टेंशन में था। कितना खर्चा लगभग बताया गया था उन हॉस्पिटलों में, कि कितना खर्च इसको आया? उन्होंने तो 10 लाख रुपए बताया था। और ये भी 10 लाख रुपए बताया। और ये भी बोला था संगरूर वाले डॉक्टर ने कि आप अब तो चलो थोड़ा बहुत पानी जा रहा है आपके अंदर, थोड़े दिन में ऐसी नौबत आ जाएगी आपकी पाइप बिल्कुल बंद हो जाएगी, आप पानी भी नहीं पी सकोगे, तो इलाज अभी से शुरू करवाना पड़ेगा। लेकिन ना मैं कह रही हूँ ना, जैसे वो ली है कमलकांत जी की दवाई, तो मम्मी का तो बल्कि बिल्कुल सही हो गया। मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर ही कैसे हैं कि ऐसे बोल देते कि पाइप रुक गई, अब तो बिल्कुल खुली पड़ी है, लगा लो मम्मी के सब। ये कमलकांत जी हैं जो राजीव दीक्षित गुरुकुल है महेंद्रगढ़ पाली जो गांव है वहां पर, वहां का एड्रेस किसने बताया? वहां पे मेरी जैसे भाभी है, ये जेठानी है मेरी। अच्छा, आप आपकी वजह से पता चला था वहाँ का? हाँ जी, हाँ जी। कैसे पता चला था आपको? मेरे मौसा जी है भैया, उन्होंने बताया था कि वहाँ की दवाई ले लो, फ्रेज है टाइट, बस फ्रेज निभा ली, और उनकी भी कैंसर है भैया। बहन जी ये वीडियो लाखों आदमी देखने लग रहे हैं, कहीं किसी बात में कोई झूठ तो नहीं है? नहीं भैया, अभी और जो कैंसर से पीड़ित मरीज हैं वो भी वहां पर जाएंगे इलाज करवाने के लिए? नहीं भैया, बिल्कुल भी झूठ नहीं है भैया, और उनका बिल्कुल आराम है, बस वो है ना थोड़ा बीड़ी नहीं छोड़ रहे भैया, थोड़ी प्रॉब्लम उनको अभी भी है, लेकिन मम्मी जैसे सासू माँ कैसी है? मम्मी बिल्कुल सही है, मम्मी ने सारे फरेज करे हैं। फरेज कीमो वगैरह लगवाने की समस्या आ गई थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं आई, एक भी नहीं लगी, मतलब शुरू नहीं करा, नहीं ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू कराना हमने तो, उनका बस चेकअप वगैरह हुआ, मम्मी के सारे जो चेकअप वगैरह होते हैं वो हुए हैं, 2-2.5 लाख रुपए तो उसमें भी लग गए हमारे, और लेकिन उसके बाद हमने वो सब बंद कर दिया। मम्मी बोली मैं कोई शिराफाड़ी नहीं करवाऊंगी, वो डॉक्टर ने मुंह पे ही बोल दिया मम्मी के सामने ही कि आपकी इतनी कीमो लगेगी और ऑपरेशन वगैरह होएगा तो बंदा डर तो जाएगा। मम्मी बोली मैं मेरा ना ये काम नहीं करवाना, मैं मर जाऊंगी, कि तुम मेरा देसी इलाज करवा दो कहीं से भी। अच्छा डॉक्टर, जो जिस डॉक्टर को आप बता रहे हैं आचार्य कमलकांत हैं आप कह रहे हैं, उस डॉक्टर को तो पीछे जेल भी हुई थी बलात्कार, उसका रेप का आरोप उसके ऊपर लगा था, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो केस झूठा था सच था? झूठा था जी। अच्छा, हाँ। तो इतने लोगों का भला कर रहा है जी, जी? इतने लोगों का भला कर रहा है जो इंसान, तो वो कैसे ये काम कर सकता है? उनको फंसाया जा रहा था, क्योंकि ना अपना देखो डॉक्टरों का धंधा खत्म होएगा, जब आयुर्वेदिक से इतना बड़ी बीमारी ठीक होगी, यूं लगा लो चमत्कारी है हमारे लिए, तो हम खुद हैरान है कि डॉक्टर ने इतना। सुना हमने केस जीत करके वापिस आए हैं जेल से, पता आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे उस केस के बारे में आप? झूठा ही फंसा जा रहा था भैया, उसको सत्य की जीत होती है भैया, जैसे आगे हमें तो ऐसा लग रहा है कि भगवान वापिस आ गए। अच्छा, इतनी बड़ी उपाधि आप आचार्य कमलकांत जी को, जैसे भैया मम्मी ठीक होगी तो हमारे लिए तो भगवान नहीं है। हाँ जी, अच्छा आप क्या कह रहे थे जी? सत्य की जीत, सत्य की जीत हुई है। हाँ जी। दादी माँ आपको कैसा लग रहा है, आप ठीक हो करके दोबारा से जन्म हुआ आपका? जन्म हुआ जी, मैं तो दुनिया को शब्द मिला है, आप सब जाओ, सब कुछ है अच्छे से, अच्छे से, अभी टेंशन मेरे कोई दिक्कत नहीं। बेटे हैं, कितने बेटे हैं आप? दो बेटे हैं। हाँ, और एक बेटी है, एक बेटी है। हाँ, ठीक सेवा करते हैं आप? ठीक सेवा कर रहे हैं जी, कोई टेंशन नहीं है? नहीं जी, कोई टेंशन नहीं मना है। अच्छा, हाँ, आप अपनी सासू माँ को लेकर क्या कहेंगे, आपको कैसी सासू माँ मिली है? हमें बहुत अच्छी मिली है भैया। अच्छा, हाँ जी, आप क्या कहेंगे? आंखों में आंसू, आंसू नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है, एक्टिव भी है, हौसले वाली भी है, मतलब हमारे अंदर हौसला बढ़ाती है अगर हम घबरा जाते हैं ना, मम्मी नहीं डरते कभी भी, बहुत हौसला है मम्मी। एड्रेस क्या है जो जहाँ से आपने इलाज किया, प्रॉपर एड्रेस का पता है कहाँ पर है वो जी? पाली गाँव में जी, महेंद्रगढ़ जिले में। हाँ जी, मेरे ख्याल उसका राजीव दीक्षित गुरुकुल। हाँ चलो भाई, हम पट्टी पे नंबर भी दे देंगे राजीव दीक्षित गुरुकुल का, आचार्य कमलकांत जी का। कहीं पर भी यदि आपने भी इस प्रकार का इलाज कराना है, यदि आप कैंसर से पीड़ित कोई मरीज हैं, और हैं जी इतवार को मिलता है, रविवार को? हाँ रविवार को आवा, रविवार को आई, रविवार हर रविवार को वहां आपको मिलेंगे। हालांकि हम पट्टी पे नंबर दे देंगे, दो नंबर देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, यदि कोई भी कैंसर पीड़ित मरीज है तो आप वहां जाकर के संपर्क जरूर करें।
और आज इस परिवार के चेहरे पर आप ये खुशी देख सकते हैं किस प्रकार से आज ये पूरा का पूरा परिवार खुश है। इन दादी माँ को दोबारा से पुनर्जन्म मिला, यहाँ तक कि ये परिवार कहने लग रहा है कि यमराज यानी कि यमराज के दूत दिखने लगे थे दादी माँ को, ये बात सच है? हाँ, सही है, सही है। यमराज के दूत दिखने लग गए थे? हाँ जी भैया, मैं तो परेशान हो गई थी, डॉक्टर का जज जग है। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे मरीजों को देख के कीमो लग रही, कभी किसी का कुछ लग रहा है, परेशानी वाला काम था। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चों को। चलो चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखे, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जवाहर द्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।